तो गाइस सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए जहां पर लिखा है साइबर गेमिंग ईएल बंकर, यानी यहां पर कोई कैफे ओपन कर रहा है, साइबर गेमिंग कैफे। और यहां पर क्या चीज है, वो शिबा इनू की जो गेम है शिबा इथर्निटी, उसका कंपटीशन कराया जाएगा। अगर मैं बात करूं ये गेमिंग की यानी कैफे की, ये कहां पर ओपन हो रहा है गेमिंग कैफे, तो ये ओपन हो रहा है अर्जेंटीना के बीच में। और यहां पर जो शिब आर्मी या फिर शिबा इनू कम्युनिटी का जो मेंबर है वो इसको ओपन कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पीपल यहां पर शिबा इथर्निटी गेम को खेल पाए और अवार्ड्स जीत पाए। यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं जो पॉपुलैरिटी है शिबा इनू गेम की उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ यहां पर सायतोशी कुशामा ने कल की डेट में एक ट्वीट पोस्ट किया था। पहले मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं, फिर मैं इनका आपको दिखाऊंगा ट्विटर हैंडल का, भाई ये ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है या फिर इनका फेक ट्विटर हैंडल है ये चीज भी। तो सबसे पहले आप ट्वीट देखिए, 29 तारीख यानी कल की डेट का ट्वीट पोस्ट किया है, हेड डाउन वर्किंग, अपडेट कमिंग सून एंड आई थिंक यू विल लव इट, और हैशटैग शिबा इथर्निटी, हैशटैग शिबेरियम, हैशटैग शिबा आर्मी। यानी यहां पर क्या चीज है, बहुत ही जल्दी कोई नई अपडेट हमें मिलने वाली है, और मतलब काफ़ी बड़ी अपडेट भी हो सकती है। हो सकता है वो शिबेरियम ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो सकता है वो शिबा इथर्निटी जो गेम हमारी रिलीज हो चुकी है उसमें कोई अपडेट से रिलेटेड हो, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है। यानी यहाँ पर क्या चीज़ है, वेटिंग हमें करनी पड़ेगी, क्या कुछ नया निकल के सामने आ सकता है नई अपडेट के बीच में। साथ के साथ आप देख सकते हैं ये ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पेज है सायतोशी कुशामा का, जिसके बीच में लगभग 8.5 लाख फॉलोवर्स इनके हैं यहाँ पर, और बहुत ही जल्दी 1 मिलियन भी क्रॉस कर जाएंगे। दूसरी अब बात करते हैं बर्निंग की, क्योंकि बर्निंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है शिबा इनू की टोटल सप्लाई को कम करने का। लेकिन जो लास्ट वीक की बर्निंग हुई है वो फिर से बहुत कम देखने को मिली है। लास्ट 7 डेज की अगर मैं बात करूँ तो मात्र 104 मिलियन शिबा इनू टोकन्स की बर्निंग देखने को मिली है 33 ट्रांजेक्शन के थ्रू। यानी बहुत कम एक बार फिर से बर्निंग हमने नापने को मिली है। वैसे हमारे जो वीकली बर्निंग का टारगेट था वो था 1 बिलियन का, लेकिन यहाँ पर पिछले इस वीक को मिला के और पिछले 2 वीक को मिला के लगातार 3 हफ्ते ऐसे गए हैं जहाँ पर हम 500 मिलियन भी नहीं देख पाए, बिलियन तो दूर की बात है, और यहाँ तो मात्र 104 मिलियन ही बर्न हो पाया है। तो किस तरह से हम यहाँ पर टोटल 111 ट्रिलियन शिबन टोकन्स को बर्न कर पाएंगे विद इन ईयर, ये सोचने की बात है। यहाँ पर अगर बात करूँ लास्ट 24 आवर की बर्निंग की, तो लास्ट 24 आवर के बीच में 2.4 मिलियन शिबन टोकन्स को बर्न किया गया है 2 डिफरेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू। अब बात करते हैं व्हेल अकाउंट की, क्योंकि व्हेल अकाउंट सबसे ज़्यादा मात्रा में शिबा इनू को परचेज करते हैं और वो सेल नहीं करते बल्कि होल्डिंग पे रखते हैं। कल मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी टॉप 5000 इथेरियम व्हेल की, और आज रिपोर्ट देखिए टॉप 100 इथेरियम व्हेल की, उसके बीच में भी शिबा इनू नंबर 1 पे लाई करता हुआ नजर आ रहा है। यानी भारी मात्रा में व्हेल अकाउंट शिबा इनू को होल्ड करके रखे हैं, वो सेल आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं जो उनका प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, और यही कारण है वो उसको सेल आउट नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्राइस की, कल की डेट में शिबा इनू का प्राइस प्लस के 30% पे पहुंचा हुआ था। तो आज क्या कंडीशन है, क्या कुछ बना हुआ है, उससे पहले मार्केट में आपको दिखा देता हूँ। मार्केट लगभग माइनस के 2% पे चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज प्लस 1 माइनस 1 के बीच में नहीं, प्लस 2 और माइनस 2 के बीच में रिएक्ट किया आज मार्केट ने। हालांकि मार्केट एक बार माइनस के 3% से नीचे भी गई थी 3.76%, लेकिन उसने फिर इसे रिकवर कर लिया था। करंटली बात करें तो लगभग 1.34% अभी माइनस के चलती हुई नजर आ रही है। बिटकॉइन की बात करें तो पिछले 1 घंटे में बिटकॉइन 0.29% गिरावट में था, और पिछले 24 घंटे में लगभग 1% गिरावट में था। इथेरियम पिछले 1 घंटे में 0.39% और पिछले 24 घंटे में लगभग 3% गिरावट में देखने को मिला था। जैसे मार्केट ने रिएक्ट किया सेम वे में इन टोकन्स ने भी रिएक्ट किया हमारे। उसके बाद बात करें शिबा इनू की, तो शिबा इनू में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरह कल की डेट में प्लस के 30% पे शिबा इनू पहुंच चुका था, सेम वे में अभी करंटली माइनस के 16% पे शिबा इनू का प्राइस चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है भाई, आज जो प्राइस था शिबा इनू का वो माइनस में गया, और उसके कारण जिन्होंने कल परचेज किए व्हेल अकाउंट ने बोलो या फिर नए बायर्स ने बोलो, तो वो डर गया भाई प्राइस माइनस में चला गया, मेरा तो लॉस हो गया, और उन्होंने जितने परचेज किए थे उतने ही सेल करने स्टार्ट करते। और यही कारण है
प्राइस जो था यहाँ पर देख सकते हैं लगातार माइनस में चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा यहाँ पर मार्केट ने भी माइनस के 3% की उछाल ली थी, 3.76 पर, मतलब लगभग 4%, और ये कारण भी था यहाँ पर। हो सकता है भाई मार्केट गिरावट के कारण शिबन की गिरावट देखने को मिली, और जिन्होंने कल परचेज किया था वो थोड़े डर गए, सहम गए और उन्होंने सेल आउट कर दिया, भाई हमारा तो अब लॉस ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम पे नज़र डालें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे जैसे प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। बल्कि कल उल्टा था, कल प्राइस भी प्लस के 30% था और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी प्लस के 200% क्रॉस कर चुका था, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। और आज भी यहाँ पर यह चीज़ हो रहा है भाई, जो सेल आउट कर रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम लोग, तो इसी तरह बायर्स भी उसको परचेज कर रहे हैं भाई। दिख रहा अभी माइनस के 15% है शिबा इनू, जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर लो, जैसे ही प्लस में जाएगा तो अपना इंस्टेंट प्रॉफिट देकर चला जाएगा। तो आपने इसको सेल किया या परचेज किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ के साथ हमारा जो रैंक था कल की डेट में वो 12 रैंक था हमारा, उससे पहले हम 14 रैंक पे थे, फिर हम एकदम 12 रैंक पे आए और आज हम फिर से 13 रैंक पे फ्लिप डाउन कर चुके हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन हुआ मार्केट में और उम्मीद ये थी भाई आज तो हम कम से कम टॉप 10 की लिस्ट में आ सकते थे, क्योंकि कल यही उम्मीद जताई जा रही थी भाई नेक्स्ट 24 आवर में हम टॉप 10 की लिस्ट में आ जाए मे बी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो गाइस यही था इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह का अपडेटेड वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस।